हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करता हूं ऑरो फार्मा सन फार्मा। और आज जो मैं लाइव आया था और लाइव मार्केट में मैंने निफ्टी का प्रिडिक्शन दिया था, जहां से निफ्टी गिरा है आपने पैसा कमाया होगा। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही मिलती है भाई वाली डिवाइस, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे जो भी वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल सकेगा, क्योंकि आज भी कुछ धमाका देंगे सन फार्मा और ओरो फार्मा की तरह। देखिए, आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट बढ़ा दिया जो उम्मीद चल रही थी। बट अगेन ध्यान रखिएगा, ये अभी भी प्री कोविड लेवल के नीचे है और कहानी कुछ अलग है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है, क्यों है, कौन क्या बोल रहा है कि रिसेशन लाएगा, मार्केट क्रैश की कहानी और कल के लिए बेहतरीन शेयर। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, अगर देखें तो मार्केट हाई से 15% के आजू बाजू गिर चुका है। जो भी नए लोग मार्केट में 2021 के बाद आए हैं, सबके पोर्टफोलियो रेड हो गए हैं, सब परेशान हैं, ये क्या हो रहा है, उनके समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है पोर्टफोलियो को होल्ड करें, कट करके मार्केट से भाग जाएं, तो परेशान होने की बिल्कुल नीड नहीं है। तो जैसा कि मैंने आप बताया था कि आज मैं आफ्टरनून को 12 बजे लाइव आया था, तो वहां पर मैंने यही टॉपिक हैंडल किया था कि पोर्टफोलियो बेच दें या होल्ड करें, ज़रूर देखें। जिन्होंने भी देखा है, बहुत प्यार दिया है, मैं दिल से आभारी हूं कि मैं आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन रहा हूं। 1% भी अगर हिस्सा बन रहा हूं तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया कि आपने वो भाषा में सिखाया पोर्टफोलियो बेचना जो आज तक हमने बुक रीड करके भी नहीं पढ़ा है। तो मैं बहुत अच्छा लगता है जब इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जो पर्सनल में ऐसे मैसेज आते हैं जो लोग फॉलो करते हैं, दिल से शुक्रिया। आप भी ज़रूर वो वीडियो देख लीजिएगा, आफ्टरनून की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब मैं पहले साइकिल को समझाता हूँ, ये जो स्टॉक मार्केट का साइकिल है क्या है, कैसे है। देखिए, अगर अभी के सिनारियो से समझाएं तो कहानी शुरू होती है वॉर से, रसिया और यूक्रेन वॉर, जिससे क्या हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, दूसरी तरफ सप्लाई डिमांड क्राइसिस आ गई। अब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े, सप्लाई डिमांड क्राइसिस आ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ा तो ये रिकॉर्ड लेवल पे चल रहा है। अब जिससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने से फाइनेंशियल क्राइसिस होता है जिससे रिसेशन आता है, और फिर ये सब एक साथ अटैक करते हैं तो होता है स्टॉक मार्केट क्रैश। अब हम समझते हैं कि अभी तक क्या क्या हो गया है और कहां पर हम आज के डेट में खड़े हैं। वॉर हो गया जो चल रहा है, किसी ने नहीं सोचा था इतना लंबा जाने वाला है, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पर है, सप्लाई डिमांड की प्रॉब्लम चल रही है, कंपनी के रिजल्ट खराब आ रहे हैं, कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई होती जा रही है, कंपनी का प्रॉफिट डाउन होता जा रहा है। यहां पर अब हम फाइनेंशियल क्राइसिस के स्टेज पर जाने वाले हैं, गए नहीं है। वहीं पर इस बीमारी का इलाज करने के लिए दिया जा रहा है दवा, और उस दवा का नाम है इंटरेस्ट रेट का डोज। बट सवाल यह है कि क्या इंटरेस्ट रेट का डोज इस बीमारी को ठीक कर पाएगा या इंसान अच्छे तरीके से बीमार हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं लेटेस्ट अपडेट पर। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि कोविड-19 से भैया हम उभरने की कोशिश कर रहे थे, जितनी भी ग्लोबल कंट्रियां हैं वो उभरने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कोई भी जो इम्पैक्ट होता है तुरंत नहीं दिखता है, ये सब धीरे धीरे दिखता है। तो वहाँ पर इकोनॉमी हर कंट्री की संभालने की कोशिश कर रही थी, वहीं पर ग्लोबल इकोनॉमी पर रसिया यूक्रेन वॉर ने डबल हिट दे दिया, डबल इम्पैक्ट, दोहरी मार, जिसके कारण कई देश में, एक नहीं दो नहीं, कई देश में आर्थिक मंदी यानी इकोनॉमिक रिसेशन की आशंका तेज हो गई है। यहां पर विश्व बैंक ने क्लियर कट चेतावनी दी है कि यूरोप, ईस्ट एशिया के जो कम विकसित देश हैं वो गंभीर इकोनॉमिक रिसेशन का सामना कर सकते हैं। साथ ही महंगाई, जो मैंने आपको बताया, लो ग्रोथ, मैंने आपको बताया, इन सब से मिलकर होता है स्टैगफ्लेशन। अब ये कहोगे ये स्टैगफ्लेशन क्या है, तो वो भी मैं समझाता हूं। बट स्टैगफ्लेशन की आशंका बढ़ गई है, और आप हर चीज से निपट सकते हो लेकिन स्टैगफ्लेशन से निपटना बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है।
सबसे पहले स्टैगफ्लेशन उस आर्थिक कंडीशन को, उस इकोनॉमिक कंडीशन को कहते हैं जब आर्थिक विकास दर स्थिर हो जाती है यानी रुक जाती है और महंगाई दर, बेरोजगारी दर रॉकेट की तरह बढ़ती चली जाती है। तो भैया विकास होगा ही नहीं तो हम महंगाई को कहाँ से नीचे झुकाएंगे, बेरोजगारी को कैसे नीचे झुकाएंगे। ये तो कहेगा पुष्पा स्टाइल में, मैं तो साला रुकेगा ही नहीं, झुकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि विकास दर तो भैया फ्लैट पे है और दुनिया के कई देश आज इस स्थिति से गुजर रहे हैं ऑफिशियल तौर पर। इससे निपटना किसी भी देश के लिए चुनौती है। क्यों? ध्यान से, मैंने बोला था ये मुश्किल वाला काम है। अब आप कहते हो ना विकास दर घटती है, यहां क्या कर रहे हैं? नहीं घट रही है, लो स्थिर है। अब यहां पे महंगाई तो बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अब इससे निपट लो। और इसी पर काबू पाने के लिए ये इंटरेस्ट रेट की कहानी चल रही है, लेकिन उससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। महंगाई दर पे अगर काबू लाते हो, इंटरेस्ट बढ़ाते हो, बेरोजगारी बढ़ती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इशू आता है। तो ये कई सारी संभावना है जिससे स्टैगफ्लेशन की संभावना और ज़्यादा बढ़ गई। यानी अगेन ये सब आज की कहानी नहीं है, ये सब धीरे धीरे, कोई भी वॉर होता है ना उसका इम्पैक्ट एक मीठे जहर की तरह जो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर घुस के धीरे धीरे इम्पैक्ट दिखाता है। दुनिया के कई देशों में इन्वेस्टमेंट की कमी हो गई है, बाहर से पैसे आने रुक गए हैं। जैसे हमारे इंडिया से पैसे बाहर जा रहे हैं ना, वैसे ही। तो उसे क्या होगा, विकास दर अगले एक दशक तक लोअर लेवल पे रहेगी या रुक जाएगी, बाहर से पैसा ही नहीं आएगा। कई देशों में मुद्रा स्फीति दर है हाइएस्ट लेवल पे पहुंच गया, सप्लाई डिमांड वर्स्ट कंडीशन में आ गया। अब इससे क्या होगा, कंट्रोल तो करेगी सरकार बट महंगाई लेवल एक हाईएस्ट लेवल पर बने रहेगा। यहां पर मैं एक बड़े सिंपल अंदाज में आप सबको हमेशा कहता हूं, ये समझिए, महंगाई को कंट्रोल में करना है ना तो एक सिंपल सा नजरिया है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को नीचे आना जरूरी है और वो जब तक जितने लंबे समय तक अपर लेवल पर रहेगा महंगाई कंट्रोल में नहीं आ सकती क्योंकि वो जड़ है उसका। यहां पर विश्व बैंक के जो पूर्वानुमान था उसके मुताबिक यूरोपियन कंट्री में सर्वाधिक जो रसिया और यूक्रेन है वहाँ पर इकोनॉमिक प्रोडक्शन में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को वहाँ मिलेगी। बैंक ने क्लियर कट चेतावनी दी है कि कोरोना, रूस यूक्रेन का युद्ध, ये जो डबल हिट है बहुत व्यापक असर दिखाएगा, आज नहीं कल नहीं, ये एक स्लो पॉइजन की तरह आने वाले वक्त में। और इतने तो सर मैं ये नहीं कहता कि आपको फाइनेंशियल आता है बट इतना तो बड़ा सिंपल है सर, आप लोग भी, कई लोग मेरे से उम्र में बड़े हो गए, कई लोग बहुत बड़े बड़े एजुकेटर हो गए, पढ़े लिखे हो गए, इतना तो सर आप लोग भी कहेंगे कि जी हाँ कोविड का इम्पैक्ट हमें पता था कि ये शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में दिखेगा। वैसे ही रसिया और यूक्रेन का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म की कहानी नहीं होगी, एक लॉन्ग टर्म की कहानी होगी। आप भी इम्पैक्ट को मानते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, रसिया और यूक्रेन का युद्ध पूरे ग्लोबल लेवल पे एक लॉन्ग टर्म हिट देगा एज पर इकोनॉमी। अभी हम स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहे, एज पर इकोनॉमी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हर एक बुद्धिजीवी के कमेंट का बहुत ही दिल से स्वागत है और मैं खुद पर्सनली एक एक कमेंट देखूंगा। अब यहां पर अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से बच भी गए, ध्यान से जो रिसेशन की बात हो रही है उससे बच भी गए, तो स्टैगफ्लेशन से कौन बचाएगा, वो तो हावी रहेगा और कई साल तक रहेगा और ये तब तक रहेगा जब तक सप्लाई डिमांड नॉर्मल नहीं हो जाती है। और यहां पर 2021 से 2024 तक जो ग्लोबल विकास दर है, आर्थिक विकास दर है, वो 2.7 तक रह सकती है, जो 1976 से 1979 के बीच आए स्टैगफ्लेशन की स्थिति से भी बदतर है। ये उस टाइम से बदतर है जब 1982 में क्राइसिस क्रिएट हुआ था। बैंक ने साथ ही कहा है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए 1970 में ब्याज दर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया था कि 82 में आर्थिक मंदी जैसी कंडीशन पैदा हो गई थी। अभी आपको वही मैंने समझाया, एक दवाई से इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं बट साइड इफेक्ट उभर उभर के बाहर आ रहा है, राइट है ना, अंग्रेजी दवा है।
आयुर्वेदिक तो है नहीं, तो साइड इफेक्ट तो निकलेगा, तो वही साइड इफेक्ट निकल के आ रहा है या लंबे समय में आएगा, और इससे जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आएगी। इंडिया में रिकॉर्ड लेवल पे महंगाई है, आप सब बेहतर जानते हैं। सबसे सिंपल, सबसे आपको मैं एक सिंपल, घर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आप वो देख लीजिए, हर दिन महंगी हो रही है, हर दिन। इसे काबू पाने के लिए RBI ने एक महीने में दूसरी बार रेपो रेट बढ़ाया, बट कहानी क्या है? तो यहाँ पर दैट इज़ द बिग रीज़न कहा जा रहा है कि भैया इस महंगाई से बचना है या आने वाली प्रॉब्लम से बचना है तो अभी से सेकंड अर्निंग की प्लानिंग शुरू कर दो। अगर जो लोग सेकंड अर्निंग की प्लानिंग अभी नहीं शुरू करेंगे वो उस कंडीशन में, उस समय में बहुत पछताए थे और अभी भी पछताएंगे। क्यों? कुछ चीज़ें RBI गवर्नर ने खुद कही हैं, वो भी सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मुश्किल समय से गुजर रहे हैं और सच्चाई के प्रति संवेदनशील होना, यानी उसको अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है, अपनी सोच में लाकर उसके हिसाब से चलना होगा दोस्त। यानी अगर हमारा बजट कुछ है तो अभी से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, अपने FD को तोड़ के खर्च करने की जगह प्लानिंग पे आ जाइए। यूरोप में युद्ध की स्थिति बिगड़ रही है, हर दिन नए चैलेंज आ रहे हैं, सप्लाई चेन खराब हो रही है, युद्ध की वजह से खाने की चीज़ें, एनर्जी, कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ गए हैं हाईएस्ट लेवल पे, दुनिया के हर देशों में महंगाई है, इंडिया नहीं हर कंट्री में है। युद्ध ने महंगाई का ग्लोबलाइजेशन कर दिया, जी हाँ। सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को लेकर विचार कर रहे हैं, बट कहानी बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पर महंगाई दर अपर टॉलरेंस लेवल से काफ़ी ऊपर निकल गया, यानी जिस लेवल को कहते हैं ना एक सहने की क्षमता, कि कोई इंसान चुट्टी काट रहा है, कस के काट रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन एक लिमिट होती है, कस के काट दे चमड़ी बाहर आ जाए, तो उस अपर टॉलरेंस लेवल से ऊपर निकल चुका है। रीज़न सप्लाई चेन, रीज़न वॉर, रीज़न कोविड, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है, शॉर्ट टर्म नहीं। तो सरकार बिल्कुल हेल्प कर रही है, RBI बिल्कुल हेल्प कर रही है, हर कंट्री की सरकार हेल्प कर रही है, बट बीमारी अंदर से हो तो इलाज होगा ज़रूर, बट लगता है वक्त, और वो जो वक्त लगता है, ड्यू टू दैट रीज़न स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा, ड्यू टू दैट रीज़न स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जा रहा। सिर्फ एक ही कहानी है, थोड़ा ऊपर जाओ और वापस गिरो, थोड़ा ऊपर जाओ और वापस गिरो, और ओवरऑल नीचे की कहानी पे सस्टेन है, और इसीलिए कहा जाता है मार्केट एक सेल ऑन राइज के मोड में चलता जा रहा है। एंड दैट्स द बिग रीजन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी हम उस स्टेज में पहुंचे नहीं है, बट कहते हैं ना लाइफ में प्लानिंग जरूरी है, तो सेम टू सेम एक प्लानिंग के साथ चलना चाहिए कि अगर चीज़ें कुछ ख़राब होती हैं तो हम उस कंडीशन में पहुंच सकते हैं। अगर सोचिए हमें पता ही नहीं हो कि हम, हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, और सिर्फ हम अच्छे अच्छे के ख्वाब में ज़िंदगी गुजारते रहें और सडन ख़राब हमारे साथ हो जाए तो हमें झटका लगेगा, हार्ट अटैक आता है ना उसी बात पे। लेकिन हमें एक दिमाग में क्लियर हो कुछ बुरा हो सकता है, तो यहाँ से हम मजबूत हैं, हम समझ रहे हैं क्या हो सकता है, तो वो आएगा तो हमें परेशानी नहीं होगी। एग्री? सेम कहानी स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पर अभी चीज़ें खराब नहीं हुई हैं, सरकार दवा देने की कोशिश कर रही है, और उसी चीज़ों के मद्देनज़र ये चल रहा है, जहाँ पे हमें हर एक चीज़ों को समझना जानना ज़रूरी है। अब कुछ लोग कह सकते हैं अग्रवाल जी तो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, बट आप मुझे बताइए कि जितनी भी देर की वीडियो मैंने बनाई है, क्या मैंने पैनिक क्रिएट किया है या सिर्फ आपको एक ऐसा सच बताने की कोशिश की है जिसको सीख समझ कर आपको डर कभी नहीं लगेगा, बल्कि आप हौसले के साथ इंट्राडे और स्विंग में पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट की कहानी है, ये 5 साल की जर्नी है, 10 साल की जर्नी है, जहां पर आप कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो अच्छी कंपनी में, पेनी में नहीं, फालतू में नहीं, एक साथ नहीं, एक SIP मोड तरीका होता है, वहां पे लगा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, हर महीने में जो कमा रहे हैं उसमें से एक नियम होता है कि 100 रुपया कमा रहे हैं तो 10 रुपया तो इन्वेस्ट करोगे अपने भविष्य के लिए। हम वो 10 रुपया लगा रहे हैं, हम 100 रुपया कमा के 100 रुपया तो स्टॉक मार्केट में लगा नहीं रहे। अगर आप लगा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, वहां पे आप फंस रहे हैं। मेरे पास 100 रुपया आए, मैंने 10 रुपया इन्वेस्ट कर दिया, बात खत्म, ये मेरा ड्यूटी है, ड्यूटी है ना, जैसे बच्चों को पढ़ाना ड्यूटी है, घर में खाना लाना ड्यूटी है, वैसे ही ड्यूटी है इन्वेस्टमेंट करना 10 रुपये की। अब वो 10 रुपये हम कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, तो मार्केट कहीं जाए क्या फ़र्क पड़ता है, हर
क्राइसिस के बाद मार्केट डबल ट्रिपल फोर टाइम भागा है, वैसे ही आज भी भागेगा। तो आप पैसा कौन सा लगा रहे हो वो एक टेंशन का सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप पैसा सही जगह का, सही दुनिया का लगा रहे हो और सही तरीके से लगा रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है मेरे दोस्त। तो आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्यार दीजिए। सबसे पहले तो ये वो वीडियो है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, मेरा पोर्टफोलियो बहुत लॉस में है, सब बेच दें या होल्ड करें, प्लीज़ देख लीजिएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और जो भी यंगस्टर है, तो मैंने यंग एज में रियल एस्टेट में बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे पैसा कमाया था और आज भी मैं कैसे कमा रहा हूँ, तो 1,00,000 एवरी मंथ कमाए जीरो इन्वेस्टमेंट से। इसमें मैंने अपनी एक लाइफ जर्नी की 2-3 रियल एग्जांपल शेयर किए हैं जिसको आप यूज़ करके एक सेकंड अर्निंग क्रिएट कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ सेकंड अर्निंग के लिए यहाँ से सोचना पड़ता है, यहाँ से नहीं, ये बाद में, सरस्वती माता पहले, याद रखिए। तो वो 2-3 मेरे लाइफ के रियल एक्सपीरियंस हैं जो आपको एक सेकंड अर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है? तो ज़रूर देख लीजिएगा और शुरू करते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ चार्ट दिए थे ट्विटर और टेलीग्राम पे और मैंने प्रॉमिस किया था उस चार्ट को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसमें SPAL मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक हाई ये लगा, दूसरा हाई ये लगा, फिर गिरा और तीसरा हाई, यानी जो इसका हाई है ये इसका एज अ मेक और ब्रेक है, यानी अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप बाइंग के साइड और इसके नीचे गिरता है तो सेल के साइड। वहाँ पे आप लेवल की पावर देख सकते हो कि मार्केट उसी पॉइंट पे आके रिवर्स हो गया। तो ये बहुत प्यारी चीज़ होती है, बहुत लोगों को हर बार लगता है कि अग्रवाल जी आते हैं ऐसे लेवल पे बोलते हैं जहां से या तो ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, तो अरे भाई आप कमा लो, ये फ़र्क है। इसको बोलते हैं बिना एजुकेशन की कहानी। सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे जो ट्रेडिंग है ना वो बड़ी मक्खन वाली चीज़ है, और ये चीज़ जैसे ही हम समझते हैं ना, पैसा यूँ आसानी से बनता नहीं, छपता है, जिसका प्रूफ रात के 8:30 का शो है। बट ये नज़रिया बिना एजुकेशन के कभी नहीं आ सकता, यानी सरस्वती माता आती हैं तो लक्ष्मी माता खुद ब खुद आपके घर चली आती हैं। तो पूरा नॉलेज हमेशा भर भर के पैसा देता है और आधा नॉलेज हमेशा डुबो देता है। उसके बाद दूसरा हमने आपके साथ शेयर किया था ओलेक्ट्रा, जिसमें जो इसका हाई का लेवल है यहाँ पे ग्रीन और रेड वाली ट्रेंड लाइन का, इसके ऊपर जब चलेगा तब इसमें तेजी होगी, अभी ये उससे दूर है। तो उसके लेवल क्या है मैं चार्ट से दिखा दूंगा, और साथ में एक मैंने जब लाइव आया था तो निफ्टी का चार्ट भी मैंने डाला था। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है जहाँ पे लाइव मैंने लाइव बताया था कि ये 515 का रेसिस्टेंस है, 10 का रेसिस्टेंस है, भैया ये है खरा जहां से मार्केट पलट गया, और आपके सामने प्रूफ है। लाइव मार्केट प्रिडिक्शन हो या एडवांस, आपका भाई सब आपके साथ करता है क्योंकि हमारा परिवार कमा सके। ये सारे लेवल हमारे परिवार के लिए हैं, कमाते रहो कमाते रहो। और अब क्या, तो अब वही कहानी जो मैंने कल मतलब आज लाइव बोला, 515-20 का रेसिस्टेंस वही, और जो यहाँ पे सपोर्ट बताया 300-260 का वो एज इट इज़ वैलिड है, उसमें कोई तब्दीली या चेंज नहीं है। अब हम आते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर कौन कौन से हैं जिसको आप पेपर में नोट करके पैसा कमा सकते हो और भाई को दुआ में याद रख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पहला शेयर दीपक फर्टिलाइज़र का। आप लोग हर दिन नया नया शेयर ढूंढते हो, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। दीपक फर्टिलाइज़र 3-4 दिन से लगातार कवर कर रहे हैं, 724 के करीब का लेवल दिया था, कल भी पलटा और आज भी गिर चुका है। तो याद रखिए 724 ठप्पा लगा के मेक और ब्रेक का लेवल है। उसके बाद हम नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं डालमिया भारत। याद रखिए इंडिकेटर की दुनिया से हमें बाहर आना है, पैसा कमाना है तो इंडिकेटर की दुनिया से बाहर आना है। वहां पे डालमिया भारत का ऑलरेडी लेवल आप लोगों के साथ 1220 का जो लेवल है, ये जो एरिया है होल्ड करता है तो आप इसमें तेजी देख सकते हो, जिसमें ऑलरेडी ये जो लो 1235-30 के पास है, आई होप होल्ड करे और आप तेजी देख सकते हैं। उससे पहले बता दूं कि ये मैं कैसे सोचता हूं स्टॉक सिलेक्शन, राइट? तो ये हम आपको बताने वाले हैं 10 जून की क्लास में, जहां हम आपको इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब सिखाएंगे, कोई भी सीख सकता है, हाथ पकड़ कर सिखाएंगे, कैश फ्यूचर ऑप्शन हर जगह ट्रेड करेंगे, स्टडी मटेरियल देने वाला हूं, कुछ बेसिक के वीडियो देने वाला हूं, स्क्रीनर देने वाला हूं, आपको मेंटरशिप देने वाला हूं, आपको बिना कमिटमेंट का रिविज़न देने वाला हूं, आपको बहुत प्यारा सा अनलिमिटेड बेनिफिट ऑफर देने वाला हूं, जिससे आप कमाएं कमाएं और कमाएं, नुकसान को बंद करें। तो इंडिया में पहला ऐसा यूनिक क्लास है जहां हर कुछ
सिर्फ एक सर्विस के अंदर मिलती है। तो ये लाइफ चेंज का मौका आपके गेट पर खड़ा है, बस नॉक करना है और एंट्री करनी है 9708094321 पे, जो स्क्रीन पे आपके सामने नंबर है। बस दो सवाल खुद से पूछने हैं, कब तक मार्केट में लॉस करोगे? स्मॉल ट्रेडर की तो ऐसे ही एनएससी का डेटा कहता है कि बैग पैक हो जाते हैं, क्योंकि वो टिप्स टिप्स और टिप्स के पीछे अपना सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। टिप्स वालों को वो पैसा ऑलवेज देने को रेडी है, लेकिन सीखने को नहीं। तो ये आपको सोचना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, आपको डर क्यों लगता है? तो डर सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि टिप्स पे ट्रेड किया है, किसी से पूछ के ट्रेड किया, किसी फ्री टेलीग्राम में देख के ट्रेड किया है। तो दो रुपया ऊपर गया, दो रुपया नीचे गया, धक 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 धक, अरे मैं फंस गया, मेरा नुकसान हो गया। अगर आपको पता होगा तो खुद के बॉस बनेंगे, नौकरी से आज़ादी मिलेगी, सेकंड अर्निंग होगी। और महंगाई से लड़ना है तो आज से ही घर में सेकंड अर्निंग शुरू कर दीजिए। चाहे आप सीखें, आपकी वाइफ सीखें, कोई भी सीखें। जहां पे आपको दिखाता हूं एक से एक बेहतरीन फीडबैक की वीडियो, यहां पर एक सर का वीडियो, दूसरे सर, अब पीछे से बैकग्राउंड से दिख रहा होगा, दुकान वाले हैं, क्या कह रहे हैं। एक मैडम का फीडबैक ऑलरेडी हमने शेयर किया था। तो ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जो आपको फुल मोटिवेट कर सकती हैं कि आप एक सही हैंड में हैं, जो आपको सिखाएगा कैसे पैसा कमाते हैं, क्या है पैसा कमाने का सीक्रेट। और सबसे प्यारी चीज़, हमें बनना होगा ऑपरेटर, ट्रेडर नहीं, रिटेल ट्रेडर नहीं। पैसा तभी बनेगा जब हम ऑपरेटर की तरह सोचेंगे। तो क्या है ऑपरेटर? मेरे ट्रेड तो हमेशा पब्लिक से उल्टे रहते हैं, तभी तो पैसा बनता है। तो क्या है उल्टा ट्रेड लेने का तरीका? 9708094321। अब डालमिया भारत की बात, हम बात करते हैं महिंद्रा हॉलीडेज की। आज महिंद्रा हॉलीडेज में पैसा बना, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कल भी कमाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है मस्त 216 का मेक और ब्रेक है, और जिनके पास है अपना इसका हाई भी अगर ब्रेक किया तो और तेजी। उसके बाद अल्ट्राटेक, आप लोगों को अल्ट्राटेक में परसों पैसा बना था, ये देखिए इसके नीचे, और आज भी उसी 5600 के नीचे पैसा बना 5500 तक। तो आपके सामने प्रूफ है कि 5600 के नीचे कैसे अल्ट्राटेक लगातार आपको एक दिन नहीं दो दिन पैसा दे रहा है, और आगे भी वही लेवल वैलिड है। तो ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो कभी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आता है बिरला कॉर्प, लगातार मक्खन वाला 890 के नीचे, और जब तक 890 के नीचे है बिंदास रहिए और मजे लेते रहिए। उसके बाद है हमारा ओरोफार्मा, जहां पे ओरोफार्मा में जो इसका सपोर्ट लेवल है 514-512 के पास का, वो होल्ड करता है तो ऊपर है, नहीं तो नीचे है, और आज भी इंट्राडे में पैसा बना। सेम टू सेम अगर हम बात करें सन फार्मा की, तो सन फार्मा में भी वैसे ही उसी लो से 835-36 के पास से ऊपर गया है, तो यही इसका मेक और ब्रेक है कल के लिए भी। फिर हम बात करते हैं लेटेंट व्यू की, कितना आसान है स्टॉक सेलेक्शन आपके सामने। अब ये अपने पुराने मल्टीपल सपोर्ट 366 के पास है, तो जस्ट 366 इसका मेक और ब्रेक के तौर पे है। उसके बाद बात करते हैं टीवीएस मोटर, जो काफ़ी पहले से ब्रेकआउट पर आपको दिलाया था, और वो लेवल आपकी आंखों के सामने है। पहला था 690, दूसरा था 709, और अब इसने अगर तेजी करनी है तो 755 के ऊपर चलना ज़रूरी है। SPL Electra मैंने ऑलरेडी चार्ट पे आपके साथ शेयर कर दिया है, लेकिन उसके लेवल नहीं बताए थे इसलिए मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। बट ट्विटर और टेलीग्राम से ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ और चार्ट जो कि एकदम बेहतरीन हो चुका है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। 390 के ऊपर चलना ज़रूरी है, तो 390 इसका मेक और ब्रेक हो गया। और वैसे ही ओलेक्ट्रा मैंने आपको जो दिया था, ओलेक्ट्रा में अगर तेजी होनी है तो इसे 750 के ऊपर चलना ज़रूरी है, ये इसका मेक और ब्रेक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र सीमलेस की, तो यहाँ पर महाराष्ट्र सीमलेस में अगर तेजी होनी है या इसका मेक और ब्रेक क्रिएट होना है तो वो 630-32 का लेवल है आपके सामने। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है, आपकी सेवा में हाजिर है फेड मोगुल का, जिसमें अगर तेजी होनी है तो इसे 293 के ऊपर चलना ज़रूरी है।
क्या आपने वीडियो को व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे शेयर किया है? अगर नहीं किया है तो देरी किस बात की। देखिए, बच्चे, बूढ़े और जवान सीखेगा हिंदुस्तान। आपका भाई कमिटेड है आपको सिखाने के लिए। और अगर आपको 1% का भी वैल्यू एडिशन लगता है तो मेरे दोस्त, हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सब सीखें और सब कमाएं। तो स्वागत है आपका 10 जून की लाइफ चेंजिंग क्लास में, जहां आप बनेंगे खुद के बॉस, नौकरी से आज़ादी, हर कुछ, महंगाई से लड़ने का सबसे बड़ा अस्त्र। थैंक यू सो मच।